राज्य भर में अगले माह होने वाले उपचुनाव को देखते हुए जलालाबाद से श्रोमणी अकाली दल का गढ़ ध्वस्त करने हेतु कांग्रेस द्वारा गोल्डी कंबोज के नेतृत्व में विशाल रैली की गई, ताकि हाई कमान को शक्ति प्रदर्शन कर टिकट ली जा सके। इस विशाल रैली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन विशेष रूप से दिल्ली से यहां पधारे, जिन्होंने मंच पर जमकर केंद्र सरकार की आलोचना के साथ साथ आरएसएस को भी घेरा। सवालों के जवाब में श्रीनिवासन ने कहा कि जलालाबाद में होने वाले उपचुनाव के लिए गोल्डी कंबोज के लिए हाई कमान से टिकट मांगी जाएगी, ताकि यहां से श्रोमणी अकाली दल का गढ़ ध्वस्त किया जा सके। इसी दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि धारा 370 को हटाए जाने का वे समर्थन करते हैं, लेकिन जो तरीका केंद्र सरकार ने अपनाया है वह गलत है। आज देश में जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम हो गई है, उद्योग बंद हो रहे हैं, नौकरियां समाप्त हो रही हैं, जबकि केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं पर ईडी व सीबीआई के छापे मरवाकर उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। 370 के ऊपर हमारा उसका विरोध नहीं है। उन लोग ने जो किया तरीका है, नजरबंदी करना, वहाँ का जो सीएम है, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं किया, सबसे बैठ के एक मीटिंग बिताना, मीटिंग पे तय करना क्या होना क्या नहीं होना, ये सारे चीज़ इनको लेके करना है, उसके बारे में इनका कोई बात नहीं है। तो इनका एक ही मुद्दा है, लोग अभी जीडीपी से गिर गया, लोग परेशान है, सबसे ज़्यादा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये सब नौजवान को घुमराने के लिए ऐसे ऐसा काम इन लोग ने मुद्दा उतारा है। लोग समझ चुका है इस देश को बचाना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो वो कांग्रेस पार्टी बचाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं कोई कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता रहता है, उनके ऊपर आईटी रेड होता है, ईडी रेड होता है, सीबीआई रेड होता है। सीबीआई के इनको विश्वास ही नहीं होता था। सीबीआई बार बार कोई नेता के आप देख सकते हैं इस बीजेपी में सबसे ज़्यादा करप्ट लोग, सबसे ज़्यादा अत्याचारी, सबसे ज़्यादा जो मर्डर किए ऐसे लोग इनके पार्टी में है, इनको उसका भी सीबीआई का भी नारा बदलना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को सेंट्रल बीजेपी इन्वेस्टिगेशन रखना है, और एक नारा बदलना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसमें बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी के नेता से बचाओ। आपने उत्तर प्रदेश में उन्नाव में क्या हुआ आप देख सकते हैं, कहाँ तक ये लोग ने वहाँ एडवोकेट तक नहीं छोड़ा इन लोग ने ख़त्म करना, उसका मेंबरशिप तक अभी तक इन लोग ने उनका सस्पेंशन नहीं किया। और पत्रकार आप लोग ने उत्तर प्रदेश में रोटी के साथ नमक दे रहे हैं बच्चे को मिड डे मील में, उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसको केसेस लगा के अंदर करवा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोग का बिल्कुल ख़त्म करने का एक ही मुद्दा है। अब तक डेमोक्रेसी है, हर एक इंसान हक है आपकी टिकट मंगन, पर सही कांग्रेसी वो ही है जो टिकट तो बाद मदद कर विश्वास करते हैं सारे में मंच से लेके आऊं। जे मैनू पार्टी ने बिना आशीर्वाद देता तो जेड़ा बंदा नाल चलू बिल्कुल ठीक, जेड़ा ना चलू वो फिर पार्टी से रहने के काबिल नहीं होना चाहिए, तो बाहर ही जाना चाहिए, ता ही पार्टी कामयाब है, क्योंकि बिच रह के जेड़े छुरे मारते हैं वो कदे पार्टी को कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल मैं पहला भी करी है, चाहे मलकीत सिंह हीरा जी को टिकट मिली हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू जी को टिकट मिली हो, चाहे साड़ी लोकसभा की टिकट शेर सिंह कुबाया साहब को मिली हो, बिल्कुल तनो मनो तनो 100 नहीं 200% मदद करी है। पंजाब वाणी जलालाबाद से राजा वारस मोनू छाबड़ा की रिपोर्ट।